हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, नेताओं का रिजल्ट तो आ गया, विद्यार्थियों के रिजल्ट का क्या, अभ्यर्थियों के रिजल्ट का क्या? दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा 23 जनवरी को समाप्त हुई थी, यानी कि ये महीना चल रहा है मार्च, और आज से दो महीने पहले। दोस्तों, दो महीने पहले यूपी टेट परीक्षा समाप्त हुई थी और उसके रिजल्ट का अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। आखिर क्यों दोस्तों, क्यों देश का यूथ अपनी दी गई परीक्षा का दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच महीने रिजल्ट का वेट करता है? और दोस्तों, यदि कोई भर्ती की परीक्षा होती है तो इसका रिजल्ट जो है छह छह साल तक रुक जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को समाप्त हुई थी और इसका रिजल्ट जो आयोग द्वारा है 25 फरवरी को जारी करने का बोला गया था, लेकिन चुनाव की वजह से, वोटिंग के जो चरण हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो डिले किया गया। क्यों किया गया दोस्तों? नेताओं का रिजल्ट सही समय पर आया, सही समय पर उसको फल भी मिला, सही समय पर सरकार भी बन गई, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं होता है। फिलहाल में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और दोस्तों, अब रिजल्ट आने की संभावना 100% है। अगले सप्ताह तक यूपी टेट का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। आप updlet.gov.in पर जाकर यूपी टेट का रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि इस बार जो है शायद डिजी लॉकर में यूपी टेट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फिर से। और दोस्तों, तो उसके लिए आप एक प्रति अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। दोस्तों, ये थी यूपी टेट से संबंधित जानकारी और अब बात करते हैं 69,000 उत्तर कुंजी मामले पर, जो एक से अधिक नंबर की याचिकाएं हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई कब तक होना लाजमी है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मेरे पास आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कब तक ये मामला जाएगा। तो दोस्तों, मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में ही है, एक सही बेंच का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सही बेंच ना होने की वजह से अभी पिछले दो महीने में बहुत सारी ऐसी याचिकाएं डिसमिस की गई हैं 69,000 उत्तर कुंजी मामले संबंधित, जो कहीं ना कहीं एक गलत बेंच का शिकार हुई हैं, जिनको समझ में ही नहीं आया कि ये मामला क्या है। दोस्तों, तो एक ऐसी बेंच का इंतजार और एक सफल रणनीति के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी। और दोस्तों, वैसे भी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, एक नंबर वालों की नियुक्ति के खिलाफ जो है, जो आदेश दिया था माननीय प्रयागराज यूएन बेंच में, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो अभी फिलहाल इस मामले में समय लगने वाला है, बहुत सारा समय लगने वाला है, अभी बहुत लड़ाई करनी बाकी है। दोस्तों, आप लोगों को खुद सजग रहना होगा, खुद तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार वही है और दोस्तों, आपके इरादे भी वही होने चाहिए, तभी आपको इस मामले में जीत मिलेगी। नई सरकार नई शिक्षक भर्ती की मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, 17,000 शिक्षक भर्ती होगी या फिर होगी 97,000 शिक्षक भर्ती या फिर कोई भर्ती ही नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो आगे भविष्य में तय हो जाएंगी। अगले 5 साल फिर से आपको तैयार रहना है हर एक मुमकिन लड़ाई के लिए, जहां पर आपके हक की बात होती है वहां पर आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक पहला ऐसा चैनल है जिसने शिक्षक भर्ती से संबंधित फेस रिवील वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।